हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका ट्रिकी मैथ्स अड्डा पे। मैं हीरालाल चौधरी। आज अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपका चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन, समय और काम। ये तीन टॉपिकों का देखो मिक्सर है, मतलब तीन टॉपिक इसमें आने वाले। समय काम आप पढ़ लेते हो तो आपका पाइप टंकी भी हो जाएगा और मिश्र समानुपात भी हो जाएगा। रेलवे की बात करूं मैं, डी ग्रुप एएलपी में या एनटीपीसी में भी आप उठा के देख लेना। 16-17 के पेपर, 15 में वैकेंसी आई थी, 16 में प्री हुआ, 17 में मेंस हुआ। पेपर उठा के देख लेना आप, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन तीनों टॉपिकों से मिले हैं, पाइप टंकी, समय काम, मिश्र समानुपात। ग्रुप डी के अंदर भी 4-4 क्वेश्चन एक एक शिफ्ट में, मतलब एक पेपर में 4-4 क्वेश्चन आए इन टॉपिकों से, तो अंदाजा लगा सकते हो कितने इंपॉर्टेंट है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आए हैं, मैंने 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे देखे हैं टाइम एंड वर्क के, मतलब ओवरऑल मैं एनालाइज करता रहता हूँ पेपरों का, तो मैंने कई क्वेश्चन ऐसे देखे हैं कि वास्तव में टाइम एंड वर्क के बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आए हैं। तो आ सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं, अपन सीखेंगे उसको। तो अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, समय और काम। बिल्कुल बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। आपने पहले भी पढ़ा होगा क्या है क्या नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से अपन पढ़ेंगे। देखो, जैसे मैं कोई चीज मैं आपको समझाऊं, जैसे आपको लघुत्तम लेना आता है, कईयों को आता होगा कईयों का नहीं आता होगा। जैसे मान लो कि 20 और 30 का लघुत्तम कितना हो गया, मैं आपसे ये पूछूं 20 और 30 का लघुत्तम का मतलब एलसीएम कितना होगा। तो एक तो बचपन में अपन ऐसे करते थे, गुरुजी लोग अपन को ऐसे सिखाए थे बचपन में छोटी क्लास में कि इनमें सबसे छोटी संख्या का भाग दो। सबसे छोटी संख्या कौन सी? 2। भाग देता हूं 10 बार, इसमें 15 बार। फिर 2 का भाग दिया 5 बार, इसमें जाएगा नहीं, जिसमें जाएगा उसी में भाग देना है। फिर 3 का 2, 2 का नहीं जा रहा तो 3 का 2, इसमें जाएगा नहीं, इसमें गया 3 का 5 बार। देखो फिर 5 का 2, 4 का 2 जाएगा नहीं, इसमें भी 1 बार गया, इसमें भी 1 बार। यहाँ पे एक एक आ जाना चाहिए। मान लो 3 संख्या होती तो वैसे ही चलता जैसे इसमें चला। और ये जो भी संख्या है इनको गुणा करा लो आपस में, कैसे? 5 से 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। तो 20 और 30 का मैं एलसीएम लूंगा तो 60 आएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो, आप दिमाग से ऐसे सोच सकते हो तो बहुत बढ़िया चीज है कि ऐसी संख्या जिस छोटी से छोटी ऐसी संख्या जिसमें 20 और 30 का भाग जाए, छोटी से छोटी ऐसी संख्या एलसीएम क्या होगा, छोटी से छोटी ऐसी संख्या जिसमें 20 का भाग भी चला जाए 30 का भी भाग चला जाए, मतलब दोनों का भाग जाए, तो 60 ही तो होगी। देखो 60 से छोटी कोई संख्या हो ही नहीं सकती। 60 आप लेते हो कि सर 20 का भी भाग जा रहा है 30 का भी भाग जा रहा है। तो इस तरीके से अपन एलसीएम निकालेंगे। और मैं एलसीएम एससीएम में आपको बताऊंगा और अच्छे से कि एलसीएम निकाला कैसे जाता है, बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट दूंगा, बट ये चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, कोई बेसिक तो क्या बेसिक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का कोई बेसिक नहीं, आज का पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है, और बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। डी फॉर डेज है ना, डी फॉर डेज है ये, जीरो मतलब समझने लगा इसको कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में, दोनों मिलके ये काम करे तो काम कितने दिनों में होगा। जैसे मान लो कोई भी काम है, ये एक कमरा बनाते हैं, ए अकेला उस कमरे को 10 दिन में बना सकता है, बी अकेला उस कमरे को 15 दिन में बना सकता है। अगर दोनों एक साथ लग जाएंगे उस कमरे को बनाने में, तो कई तो ऐसे बोलेंगे सर 10, 15, 25 दिन लगेंगे। नहीं, समय कभी भी डायरेक्ट नहीं जुड़ता, कैसे 25 दिन लग जाएंगे, जब ये अकेला ही 10 दिन में बना सकता है तो इसके साथ और एक बंदा आ जाएगा भी, तो 10 दिन से कम समय में हो जाएगा। भाई साथ क्यों लेते हैं किसी का कि काम जल्दी हो, ये तो अकेला ही 10 दिन में कर रहा था, तो मतलब 10 दिन से पहले ही काम हो जाएगा, समझे। ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है उसी काम को, तो दोनों मिलके काम करें तो काम कितने दिनों में होगा। कि सर काम कितना, कितने काम को करेंगे, तो काम पता है क्या होगा, टोटल काम जो करने वाला है, जो ये काम करेंगे वो आएगा इनका लघुत्तम से। इन दोनों का आप लघुत्तम ले लो, 10 और 15 का एलसीएम ले लो, वही आपका टोटल काम रहेगा। कि सर 10 और 15 का एलसीएम ऐसे निकाले क्या, 10 और 15 का एलसीएम ऐसे निकाले क्या सर, बिल्कुल ऐसे निकालो। 2 का भाग 2, 5 बार, इसमें नहीं जाएगा। फिर 3 का 2, इसमें नहीं जाएगा, इसमें गया 5 बार। फिर 5 का दे दो, ये एक एक आ गए यहाँ पे, इनको गुणा करा लो, 5 से 15, 15 दूना 30। 30 सर लघुत्तम आ गया, यही आपका टोटल काम है। आप बोलोगे सर ऐसे भाग दिए तो ऐसे लघुत्तम थोड़ी निकालेंगे एग्जाम में, ऐसा नहीं। अभी तो आप क्या स्टार्ट कर रहे हो ना, शुरू में ये चीज तो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी, बट बेसिक आपको बता, मेरे को तो सिखाना पड़ेगा ना
ये चीजें यूज नहीं करोगे, मेरी गारंटी, आप एग्जाम में ऐसे नहीं निकालोगे। कैसे निकालोगे? 1015 का एलसीएम आपको निकालना है, 1015 का आपको एलसीएम निकालना। तो आप क्या क्या करो, सबसे बड़ी संख्या को 2 सेकंड के लिए एलसीएम मान लो, सबसे बड़ी संख्या को 2 सेकंड के लिए आप एलसीएम मान लो। कौन सी है सबसे बड़ी संख्या? कि सर 15 है, मैंने इसी को 2 सेकंड के लिए एलसीएम मान लिया, ठीक है। 15 में देखो, क्या 15 को मैं 5 × 3 लिख सकता हूँ क्या? 5 × 3 = 15। और क्या 10 को मैं 5 × 2 लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, कि 10 5 × 2 ही होता है, 15 5 × 3 होता है। क्या करा, सबसे बड़ी संख्या को आपने एलसीएम माना है 2 सेकंड के लिए। अब ये देखना है कि 15 में क्या क्या आ चुका भाई, 15 में ये तो पूरा आ चुका क्योंकि 15 5 × 3 होता है, 10 का क्या क्या आ चुका, जो नहीं आया वो ले लो। सर 10 को 5 × 2 लिख सकते हो, तो 15 में 5 तो है, कहां पे है सर? 5 × 3 है, तो 5 तो है, बाकी क्या रह गया? कि सर 2 नहीं आया, तो इसके साथ 2 ले लो। कैसा आया वो? गुणा में आएगा तो 30 आ जाएगा। आगे अपन क्वेश्चन जैसे लेंगे ना वैसे वैसे ये चलता रहेगा, तो इसका लघुतम कितना आ जाएगा? 30। अब देखो ये कुल काम है, अब मैं ऐसे करता हूं, मेरी लैंग्वेज में इसको कैसे समझाता हूं आपको ऐसा समझना है, टोटल काम 30 है, ये दोनों मिलके इसको करेंगे तो कितना समय लेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। हमारे क्या होता है राजस्थान में, ये है ना, सर्दियों में लड्डू बनाए जाते हैं हम खाने के लिए, गोंद के, एमपी यूपी बिहार में जहां से भी आप मेरे साथ जुड़े हो वहां से भी, पता नहीं मुझे इतना बनाते होंगे वहां पे भी, यूं मान के चलना वहां पे भी बनाते हैं। 30 लड्डू बने टोटल, देखो 30 लड्डू है, ये दो भाई है ए और बी, 30 लड्डू ए के लिए बनते हैं। अगर ए अकेला खाता है ना 30 लड्डू, भाई साहब 10 दिन में तो खत्म कर देता है, यही तो कह रहा है क्वेश्चन, ए किसी काम को अकेला 10 दिन में कर देता है। और बी अगर 30 लड्डू खाता है ना तो वो 15 दिन में निपटा देता है, मतलब 15 दिन में 30 लड्डू गायब कंप्लीट हो जाएगा, काम ही कर दिया 30 लड्डू होगा, और ये भाई साहब 10 दिन में कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा कि वो प्रतिदिन कितने खाते हैं, प्रतिदिन का मतलब प्रतिदिन क्यों निकाल रहे हैं सर, प्रतिदिन लड्डू आपको निकालना पड़ेंगे, ये कुल लड्डू आपके, है ना, मैं लड्डू मान के हर क्वेश्चन करूंगा आपका, टोटल टॉपिक लड्डुओं से हो जाएगा, लड्डू खाने आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्रतिदिन क्यों लिया, प्रतिदिन का मतलब आपने इफिशियंसी पढ़ा है, आपने इफिशियंसी मत समझो, आप क्षमता पढ़ा है, किसी आदमी की कार्य करने की क्षमता, देखो ये 10 दिन में कर देता है, ये 15 दिन में करता है, मतलब 10 दिन में करता है उसकी क्षमता ज्यादा होगी ना, तभी तो 10 दिन में कर रहा है वो। अब देखो ये 10 दिन में 30 लड्डू खाता है, ये 10 दिन में 30 लड्डू खाता है, ये मारकर आज परेशान कर रहा है, ये 10 दिन में 30 लड्डू खाता है तो एक दिन में कितने खाएगा बताओ भाई, आप खुद पे लिया करो, 30 लड्डू आपके लिए बने डिब्बे में रख दिए, 10 दिन में आप निपटा गए कि सर में पर डे 3 लड्डू खाया, तभी तो 10 दिन में खत्म हो गए 30 लड्डू। कैसे आया 30 में आप भाग दे देना 10 का, 3 आ गया। ये भाई साहब 15 दिन में खाते हैं तो क्या पर डे 2 खाएंगे क्या? 30 लड्डू 15 दिन में खाएंगे तो प्रतिदिन 2 खाएंगे। क्वेश्चन आपसे ये पूछा, अगर दोनों मिलकर काम करे, मतलब दोनों भाई एक साथ बैठ जाए दिन में, एक साथ खाए ये, तो भाई साहब 3 तो इसके 2 इसके, दोनों मिलके एक दिन में कितना खाएंगे? 5। दोनों मिलके एक दिन में कितना खाएंगे? 5। तो 30 को खाने में कितना समय लगेगा? तो ए प्लस बी का समय आ जाएगा दोनों का एक साथ, ए प्लस बी का समय, कि सर दोनों मिलके 30 लड्डू खाते हैं, एक दिन में 5 लड्डू खाते हैं तो 6 दिन में पूरे कर देंगे ये, तो 30 लड्डू होगा, और यही आपका आंसर है। समझ में आया? 3 और 2 5 कैसे आया? 3 तो ए के और 2 किसके? बी के। क्वेश्चन ये तो कह रहा है अगर दोनों मिलके एक साथ काम करें तो दोनों मिलके एक साथ खाएंगे 3 लड्डू, तो ए के हैं भाई साहब, 2 इसके हैं, तो दोनों के कितने हो गए? 5। तो 30 को खाने में कितना समय लगेगा? 6 दिन। समझ में आया? 30 में 5 का भाग दे दिया। किसी का भी समय निकालना हो ना, ध्यान से सुनना, किसी का भी समय निकालना हो उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि वो प्रतिदिन कितने लड्डू खाता है। जैसे मान लो ए और बी का समय निकालना था आपको, ए और बी का समय निकालना था ना, तो आपने पता चला ना कि ए और बी एक दिन में कितने लड्डू खाते हैं, तभी तो आंसर आया। तो अगर ए का समय आपसे पूछता तो ए के प्रतिदिन के लड्डू पता होने चाहिए, बी का पूछता तो बी के प्रतिदिन के लड्डू आपको पता होने चाहिए। ये समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया तो अगले क्वेश्चन पे चलो, आराम से आ जाएगा। मैं कॉन्सेप्ट ही ऐसे देता हूं ना कि आराम से क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आओ, सेकंड क्वेश्चन पे। ए अकेला किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में होगा? सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि भाई साहब ए तो 12 दिन में कर सकता है काम और बी 24 दिन में कर सकता है, टोटल काम निकाल लो सर, पहले तो पूरा काम निकालो ना, काम कितना था भाई, काम क्या आएगा?
टोटल काम क्या आएगा सर, 12/24 का लघुतम ले लो, एलसीएम ले लो। एक तरीका तो मैंने यूं बताया, 12/24 का लघुतम ऐसे लो गया कि सर दो का बार दिया, इसमें छह बार गया, इसमें 12, फिर दो का जा रहा है इसमें तीन बार, इसमें छह बार, फिर दो का जा रहा है इसमें जाएगा नहीं, इसमें तीन बार गया, फिर तीन का दे दो, यहाँ पे एक एक आ गया, इनको गुणा करा लो। देखो तीन दूनी छह, दूनी बारह, दूना चौबीस, चौबीस कुल लड्डू है। कुल काम को मैं क्या मान रहा हूं, लड्डू मान रहा हूं। यहां वैसे भी मान सकते हो कि सर 12/24 आपको ऐसे बताया कि सर बड़ी संख्या को 2 सेकंड के लिए आप एलसीएम मान लेते हो, इसको मैं 12 × 2 लिख सकता हूं और इसको 12 × 1 लिखता हूं। अब आपको देखना है इसका क्या बाकी रह गया, 12 × 1 है तो 24 में भी तो 12 है ना, कुछ बाकी रहा ही नहीं तो एलसीएम 24 ही आ गया, समझ में आया। अब आपको यहां पे निकालना होता है प्रतिदिन कितने लड्डू खाएगा। अब देखो ए भाई साहब के लिए 24 लड्डू बने, सर्दियों का बढ़िया मौसम था, बढ़िया सर्दियां चल रही थी, ए भाई साहब के लिए 24 लड्डू मिले बने सर्दियों में, घर वालों ने बनाए, 12 दिन में खत्म। तो आप बोलोगे सर दो दिन में है ना, सॉरी प्रत्येक दिन 2 लड्डू खाता ही है भाई, 24 दिन में 24 लड्डू 12 दिन में खा जाता है ना, 24 लड्डू इसके लिए बने 12 दिन में खा जाता है, पर डे कितना खाएगा 2। ये भाई साहब आराम से खाता है कि इसके लिए 24 लड्डू बने हैं, 24 दिन में निपटा रहा है, तो डेली का एक लड्डू ले रहा है। ये 2 और 1 कैसे आया, 24 में मैंने 12 का भाग दिया 2 आ गया, 24 में 24 का भाग दिया तो 1 आ गया। या वैसे भी अपने खुद पे माना करो कि मेरे लिए 24 लड्डू बने, मैं 12 दिन में खाता हूं तो पर डे में 2 लड्डू खा रहा हूं, मेरे लिए 24 लड्डू बने, मैं प्रत्येक दिन 1 लड्डू खाऊंगा तो 24 दिन में मेरे 24 लड्डू हो जाएंगे। आपसे पूछा दोनों मिलके पूरा काम कितने समय में करेंगे, दोनों मिलके खाएंगे 2 और 1 कितने लड्डू खाएंगे 3। तो मुझे बताओ 24 लड्डू खाने में ए प्लस बी का समय, टोटल काम है आपका 24 लड्डू खाने, पर डे आप 3 खाओगे तो क्या 8 दिन आपको लगेंगे क्या, और ये आपका आंसर है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको लेके चल रहा हूँ, लड्डू खाने हैं बस। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ और इसके टॉप लेवल तक लेके चलूंगा, ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका, गारंटी है मेरी। कोई सी बुक सोल्व करना, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पढ़ा रहा हूँ वही सोल्व करना, फायदा तो वही रहेगा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ लो अगर आपको ट्रस्ट है तो मेरे पे। फिर भी ऐसा नहीं है ट्रस्ट नहीं है आपको तो कोई सी भी बुक सोल्व कर लेना, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, पूरे क्वेश्चन सोल्व कर दोगे आप। अगले क्वेश्चन पे आओ, ए बी और सी किसी काम को 20, 12, 15 दिन में कर सकते हैं अलग अलग। देखो ए किसी काम को 20 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में कर सकते हैं, यदि तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में होगा। देखो ए तो करता है 20 दिन में, बी करता है 12 दिन में और सी करता है 15 दिन में, ठीक है। पहला काम क्या है सर, टोटल क्या काम क्या होगा सर, इनका एलसीएम होगा, ये कुल काम होगा, मैं इसको कुल लड्डू बांधता हूं, यहां पे कुल लड्डू आएगा, यहां पे प्रतिदिन लड्डू आ जाएगा, ठीक है। कुल काम क्या होगा सर, पहले तो 2 संख्या दे रखी थी 2 का एलसीएम, अब यहाँ पे 3 संख्या दे रखी है तो 3 का एलसीएम, 4 संख्या दे रखी होती तो 4 का एलसीएम लेते। तो एलसीएम मेरे को निकालना है 20, 12 और 15 का एलसीएम। कैसे निकालोगे, या तो एक तरीका ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 2 का भाग दो 10, 6 इसमें जाएगा ही, इसमें दोगे तो 2 का 5, 3, 15, अब 2 का नहीं जाएगा तो 3 का 2 इसमें नहीं जाएगा, जिसमें जाता है उसी में देना है, इसमें गया, अब 5 का 2 इसमें गया, इसमें भी गया, एक एक रहना चाहिए, इनको गुणा करा लो, ये आपका एलसीएम होगा, लघुतम होगा, 5 × 3 = 15, 15 × 30 = 60, ये 60 एलसीएम आ गया आपका, ऐसे निकालिए। या एक तरीका मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, आप ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हो, कैसे सर, सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लो कि सर 20, 12, 15 सबसे बड़ी संख्या सर 20 है, आपका कहने का मतलब है मैं 2 सेकंड के लिए 20 को एलसीएम मान लेता हूं, बिल्कुल इसको तोड़ो आप, इसको क्या लिख सकते हो 4 × 3 = 12 तभी तो आएगा, ये 5 × 3 आएगा और ये 5 × 4। अब 20 में आप देखते हो 20 तो पूरा आ गया, 12 का इसमें क्या क्या आ चुका, 12 का इसमें 4 आ चुका, क्योंकि 20 को 5 × 4 लिख सकते हो, 20 को 5 × 4 ही तो लिखते हो, तो 12 का क्या आ चुका इसमें 4, बाकी क्या रह गया 3, चिपका। 15 का क्या बाकी रह गया सर, 15 का 5 भी 20 में है और 3 भी है, कुछ बाकी रहा ही नहीं तो एलसीएम 60 ये आ गया, ऐसे भी निकाल सकते हो। अब देखो ए भाई साहब के लिए 60 लड्डू बने, जब ये अकेला मजे से खाता है 20 दिन में खत्म कर देता है, तो एक दिन में कितने खाएगा कि सर मैं 20 का भाग 60 में दूंगा तो एक दिन के लड्डू आ जाएंगे 3। ये भाई साहब 12 दिन में 60 लड्डू निपटा देता है, कौन, बी, तो
60 में मैं 12 का भाग देता हूं तो पर डे ये कितने खाएगा? 5। ये भाई साहब 15 दिन में 60 लड्डू खाता है तो ये पर डे कितना खाएगा? 4। कैसे? 20 में देखो 60 का भाग दिया एक दिन, अब खुद पे लिया करो कि 60 लड्डू मेरे लिए बने, मैं 20 दिन में खत्म कर देता हूं तो पर डे 3 खाऊंगा, सोच के भी बता सकते हो। ये भाई साहब 12 दिन में खाता है 60 लड्डू तो पर डे 5 खाएगा, वो भाई साहब है कि वो 15 दिन में 60 लड्डू खाता है तो पर डे 4 खाएगा। ये आने के बाद इसका कोई काम ही नहीं है, इसको तो भूल जाए करो। आपसे पूछा तीनों मिलके अगर खाएं, तीनों मिलके काम करें, एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में होगा? मतलब 60 लड्डू ये तीनों मिलकर खाएं तो कितने दिन में खा लेंगे? देखो ये तो पूरे खुद का 3 लड्डू खाएगा, ये भाई साहब खुद के 5 लड्डू खाएंगे और ये भाई साहब खुद के कितने लड्डू खाएंगे? 4। तो तीनों मिलके कितने लड्डू खाएंगे? आप बोलोगे सर 12 लड्डू। देखो 3, 5, 8, 4, 12 लड्डू खाएंगे तीनों मिलके एबीसी। तो एबीसी का मैं समय निकालूंगा कि सर 60 लड्डू है और एक दिन में हम 12 लड्डू खाते हैं। भाई देखो 60 लड्डू थे टोटल और ये खाते कितने एक दिन में तीनों मिलके 12, तो पूरे 60 लड्डू क्या 5 दिन में खा जाएंगे क्या ये? और ये आपका आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ये 60 लड्डू कितने दिन में खा जाएंगे? एक दिन में 12, तो 60 को खाने में 5 दिन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 3 आ जाए 4 आ जाए, ऐसे ही करो। अगले क्वेश्चन पे आओ, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं ऐसा मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ, पढ़ेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। काफी बंदों को जॉब दिए मैंने, जॉब लगवाया मैंने, आराम से पढ़ा पढ़ा के खूब बंदे लगे। अगले क्वेश्चन पे आओ, ए बी ओ सी किसी काम को क्रमशः 12, 24, 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में होगा? वो सेम क्वेश्चन है, ए काम भाई साहब 12 दिन में करता है ना, बी करता है 24 दिन में और सी करता है 36 दिन में। सर काम कितना? काम भाई साहब इनका लो आप लगता और इस टोटल काम को अपन क्या मानते हैं? कुल लड्डू मानते हैं। और यहां पे क्या होता है? प्रतिदिन लड्डू है ना, जिसका भी समय निकालना उसके प्रतिदिन लड्डू आपको पता होना चाहिए। निकाल लो ऐसा 12, 24, 36 का एलसीएम, बेसिक तरीका एक तो ये, दो का भाग देते हो इसमें 6 बार, इसमें 12 बार, इसमें 18 बार। अब कई तो ऐसे होंगे, कई ऐसे होते हैं ना बुद्धिमान जीव भी आते हैं देखने कि सर 12 का भाग डायरेक्ट ही दे दो ना भाई, मैं बार बार ये तो समझाता हूँ आप लोगों को आता है ना, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, नहीं तो मेरे को तो इसका पता है कि 72 एलसीएम आने वाला है, मैं क्यों बता रहा हूँ? आपको पढ़ना है ना, तो बेसिक जिनका बिल्कुल वीक है ना उनके लिए चीजें हैं, सब सीखो आप, कहाँ दिक्कत, आप ही तो सीखो। दो का भाग वापस दो 3, ये 6 और ये 9, और 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, फिर 2 का बाकी रह रहा है यहाँ पे, फिर 3 का 2, 1 आ गया। अब आप ऐसे बोलोगे सर 6 में 2 का भाग जा रहा था, आपने पहले ही 3 का दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, बाद में 2 का लग गया तो क्या दिक्कत है, इनको गुणा करा लो, 3 दूनी 6, 6 18, 18 दूना 36 दूना 72, 72 आपका एलसीएम आया। या मैं ऐसे बता रहा हूं, आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो कि सबसे बड़ी संख्या को आप एलसीएम मान लो, सबसे बड़ी संख्या को आप एलसीएम मान लो, टुकड़े कर लेना आप उसके कि 12, 24 और 36 में। सर आपके कहने का मतलब 2 सेकंड के लिए मैं 36 को एलसीएम मान लूं, क्या मैं इसको 12 गुना 2 लिख सकता हूं क्या और इसको 12 गुना 1 लिख सकता हूं क्या? और ये 12 गुना 3 होता है ही, तो ये देखो 36 में इसका क्या आ चुका कि सर 36 का इसमें देखो 12 आ चुका, 2 बाकी रहा है और इसमें का तो 12 ही है, इसमें कंप्लीट आ चुका तो ये बेहतर एलसीएम आ जाएगा। ये धीरे धीरे चीजें आपके समझ में आने लगेगी। अब ये 12 दिन में 72 लड्डू खाते हैं भाई साहब, ये भाई साहब 12 दिन में 72 लड्डू कंप्लीट, तो पर डे कितना खाएगा? प्रतिदिन कितना खाएगा? 72 में मैं 12 का भाग दूंगा तो 6। ये 24 दिन में 72 लड्डू कंप्लीट कर देता है तो पर डे कितने खाएगा? 3। ये 36 दिन में 72 लड्डू कंप्लीट कर देता है तो पर डे कितना खाएगा? 2। ठीक है, निकालिए प्रतिदिन लड्डू, कैसे निकाला? खुद पे लिया करो कि मेरे लिए 72 लड्डू बने सर्दियों में, मैं 12 दिन में खा जाता हूं तो प्रत्येक दिन 6 खाऊंगा। ये भाई साहब 24 दिन में खा जाते हैं तो प्रत्येक दिन 3 खाएगा, ये 36 दिन में खा जाते हैं तो प्रत्येक दिन 2 खाएगा। तीनों मिलके कितने खाएंगे क्योंकि तीनों का समय पूछा है? तीनों मिलके देखो ए का 3, बी का, ए का तो 6, बी का 3 और सी का 2, 6, 3, 9, 2, 11 तीनों मिलके 11 लड्डू खाएंगे। तीनों कौन? एबीसी। तो एबीसी का मैं समय निकालता हूं, एबीसी का समय 72 में मैं 11 का भाग दूंगा कि सर भाग नहीं जा रहा, जहां तक जाता है वहां तक 2,
ग्यारह छिकी 66, फिर 6 बज गया, 11 का भाग दे रहे हो, ये दिन डेज आपका आंसर आएगा, या दिन में डेज में कैसे लिख सकते हो, 6 से 6 बटे 11 आपका आंसर होगा। तो धीरे धीरे अब चीजें आपके पटरे पे आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा, है ना, कोई टफ तरीके नहीं, लड्डू मान के क्वेश्चन हो गए जा रहे हैं पूरे। अगले क्वेश्चन पे आओ, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, ए वो बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब 7 आ गए, ए और बी देखो 7 दे दिया कि ए और बी दोनों काम करते हैं ना एक साथ, तो 12 दिन में करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना ए और बी एक मिलकर एक काम को 12 दिन में, मिलकर मतलब दोनों साथ हैं, जबकि बी अकेला उस काम को 30 दिन में कर लेता है, बी अकेला उस काम को 30 दिन में कर लेता है, तो आपको ये पूछा है इसी काम को ए कितने दिन में करेगा। देखो ए और बी 12 दिन में कर लेते हैं, बी उस काम को 30 दिन में कर लेता है अकेला, तो ए अकेला उसको कितने दिन में करेगा। मैंने यही तो बोला अभी आपको, जिसका भी समय निकालना हो उसके प्रतिदिन के लड्डू आपको पता होना चाहिए। ए का समय निकालना है ना, बी का दे दिया, ए का पूछा आपसे कि ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो उसके प्रतिदिन ए कितने लड्डू खाएगा वो आपको पता होना चाहिए। कैसे होगा सर, अभी निकाल देते हैं। टोटल काम क्या होगा कि सर टोटल काम ये होगा, इस कंटेन में ये मान लो ये डिब्बा है, इसमें लड्डू बनने हैं आपको, वही आपका काम। लड्डू कहां से आएंगे, 12 और 30 का लघुतम ले लो, वही आपका लड्डू है। ऐसी संख्या जिसमें 12 और 30 ऐसी संख्या जिसमें, इसको आप सोल्व करोगे ना, 12 और 30 का मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12 और 30 का भाग चला जाए 60 आएगा, लघुतम आएगा ना 60 आएगा, इसको वैसे सोल्व कर लेना। या आप सबसे बड़ी संख्या को, आप बोल रहे हो कि सर सबसे बड़ी संख्या को मैं तो क्या मानूंगा, एलसीएम मानूंगा, ये 5 गुना 6 होता है, ये 6 गुना 2 होता है 12, तो इसमें 30 में 6 आ चुका, 2 बाकी रह गया, 60 इसका लघुतम होगा। या आप वैसे भी 2 का भाग देके आप आराम से निकाल सकते हो, ये 60 आ गया। यहाँ प्रतिदिन का हिसाब आता है। आज क्या है कि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है, फिर भी मैंने क्लास ले रहा हूं आपकी। 60 लड्डू ए और बी दोनों मिलके खाते हैं 12 दिन में, ये ध्यान रखना, इस बार ए और बी दोनों साथ है, क्वेश्चन में आपको स्पेशली दिख रहा है, दोनों मिलके 12 दिन में 60 लड्डू खा जाते हैं। आप बोलोगे सर पर डे दोनों 5 खाएंगे, कैसे, 60 में मैंने 12 का भाग दिया, 60 में मैंने 12 का भाग दिया 5 है, बी अकेला मजे से खाता आराम से 30 दिन में कितने लड्डू 60। आप सोचो आपके घर में 60 लड्डू बना दिया आपके लिए, घर वालों ने देखा कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो दिल खुश हो जाता है ना, बंदा के सामने क्या यार मेरा होनहार बेटा पढ़ रहा है आराम से, रियलाइज किया है कभी आपने, मम्मी पापा खुश हो जाते हैं जब आप टेबल पे बैठते हो ना बुक्स वुक्स लेके, क्या पढ़ तो रहा है यार, तो लड्डू बन गए आपके 60 भाई साहब, आप तो खुश हो गए, 30 दिन में निपटा दिए, डेली के 2 सुबह शाम खा रहे हो। आपसे ही पूछा एक कितने समय में इस काम को कर लेगा, अब मैं ये बोल रहा हूँ एक का समय निकालना है, तो एक के आपको लड्डू पता होना चाहिए कि ए एक दिन में कितने लड्डू खाता है, फिर अपन निकाल देंगे कि 60 को खाने में कितना समय लेगा। सपोज रेड आपको पता होता है ए एक दिन में 10 लड्डू खाता है, सपोज रेड ए एक दिन में 10 लड्डू खाता है, तो 60 लड्डू वो 6 दिन में खा जाएगा, तो ए के प्रतिदिन के लड्डू निकालो सर। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो ए और बी ये दोनों के लड्डू है, ये बनाने के बाद इसको तो भूल जाना, ए और बी दोनों मिलके कितने लड्डू खाते हैं 5, जिसमें बी का हिस्सा कितना है कि सर बी का हिस्सा देखो ए और बी दोनों मिलके कितने लड्डू खाते हैं, सर 5 लड्डू खाते हैं एक दिन में, जिसमें बी कितना खाता है, बी खाता है सर 2, बी कितना खाता है 2, तो क्या ए 3 खाएगा क्या, तभी तो 3 और 2 कितना आएगा 5 खाएगा भाई, तभी तो 5 आएगा ना, दोनों मिलके 5 खाते हैं। ए का दिया हुआ है, ए का अपन ने निकाल लिया, सॉरी बी का, कि बी प्रतिदिन 2 लड्डू खाते हैं, बी प्रतिदिन 2 लड्डू खा रहा है, तो ये रहा बी, तो ए कितना आ जाएगा कि सर ए 3 आएगा, कैसे 3 आएगा, दोनों मिलके 5 खाते हैं और बी 2 खा रहा है, तो ए का 3 नहीं तो बचा, तो ए का समय आ जाएगा, ए का समय आपको पता चल गया कि अब मेरे को पता चल गया सर आप यही तो कह रहे हो कि जिसका समय निकालना हो उसके प्रतिदिन के लड्डू पता होने चाहिए, तो मेरे को पता चल गया ए 3 लड्डू खाता है एक दिन में, तो मैं 60 में 3 का भाग दे दूंगा, तो 20 दिन आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, समझ में आ जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसको आगे अपन रेगुलर रहेंगे, आज तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो रही है मेरी, खुद को ऐसे पता नहीं अजीब सा हो रहा है थोड़ा यार, सर दर्द हो रहा है, नाइट में क्या थोड़ा सा लेट सोया ना, क्वेश्चन बनाने में टाइम लग जाता है। अगले क्वेश्चन पे आओ, लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज,
एकता भी किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं, यदि ए अकेला उस काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ए और बी दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं, ए अकेला करता है उसको 30 दिन में, तो आपसे पूछा बी कितने समय में करेगा, तो बी का समय निकालना है, तो बी के प्रतिदिन के लड्डू आपको पता होना चाहिए, बी का समय निकाल जाएगा। कुल काम निकाल लो पहले, तो कि सर कुल काम होगा कुल लड्डू, ये डिब्बा इसमें लड्डू भरने हैं आपको, लड्डू कितने आएंगे सर 18 और 30 का एलसीएम, 18 30 का एलसीएम या तो वैसे निकाल लो कैसे कि सर अभी सबसे बड़ी संख्या को आप एलसीएम मानते हो 30, 30 को मैं 5 गुना 6 लिख सकता हूं और 18 को मैं 6 गुना 3 लिख सकता हूं, तो 18 का 6 तो आ गया 30 में क्योंकि 5 गुना 6 लिख सकते हो ना 30 को, तो 6 तो आ गया, क्या बाकी रह गया 3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 90। या आप ये भी कह सकते हो 18 और 30 का वैसे 2 का भाग दे दे के आप एलसीएम निकालोगे तो 90 आएगा, वैसे भी आप निकाल के देख लेना कुल लड्डू 90। यहां पे आता है प्रतिदिन का हिसाब, 18 दिन में 90 लड्डू खा गए आप दो जने मिलके ए और बी, 90 लड्डू 18 दिन में खा गए, तो क्या पर डे ये 5 खाए क्या, ये भाई साहब 30 दिन में 90 लड्डू खा जाते हैं, 30 दिन में 90 लड्डू खा जाते हैं, क्या पर डे 3 खाएगा क्या, भाग ही देना, देखो 90 में 30 का भाग दिया 3 आ गया, 90 में 18 का भाग दिया 5, जिसका समय निकालना उसका प्रतिदिन के लड्डू आपको पता होना चाहिए, किसका समय निकालना बी का, मुझे बताओ ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने लड्डू खाते हैं, ये एक दिन का हिसाब बता रहा हूं, ऐसा मत समझना ए और बी 5 दिन में काम करते हैं, ए और बी एक दिन में कितने लड्डू खाते हैं 5, जिसमें ए का हिस्सा कितना है 3, सर 3 कहां से आया, ये रहा इसको तो भूल जाएगा, 3 कहां से आया, ये रहा सर, तो सर 5 तभी आएगा जब ये 2 बी खाएगा, तभी तो दोनों मिलकर 5 खाएंगे, भाई ए तो 3 खा रहा है और आप कह रहे हो दोनों मिलकर 5 खा रहे हैं, तो बी को कितने खिलाने पड़ेंगे आपको 2, तो बी का समय कितना आ जाएगा, 90 लड्डू खाने बी को, एक दिन के 2 लड्डू खाता है, क्या 45 दिन आंसर आएगा क्या, बी का समय क्या 45 दिन आएगा क्या, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल अच्छे से आप समझ लो, मेरी गारंटी में मैं तो आपकी बार बार ये किया जा रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट बना दूंगा, 100% मेरी गारंटी है, अगर आप ट्रस्ट करते हो तो इतनी बढ़िया परफेक्ट मैथ कर दूंगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, ऑफलाइन भी मैंने काफ़ी टाइम तक पढ़ाया है, 3-3 बार मैंने खुद जॉब ली है, अब ऑफलाइन पढ़ाना छोड़ दिया, और काफ़ी बंदे मेरे साथ जो रहे हैं मेरे से रेगुलर जुड़ के रहे हैं मेरे पास पढ़े हैं, वो आज जॉब भी कर रहे हैं, पटवारी में भी है, राजस्थान पुलिस में भी है, रेलवे में तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है, तो आप आगे इसको लेके चलेंगे अपन, कल एक न्यू वीडियो आएगा जिसमें 7-8 क्वेश्चन आगे इसको बढ़ाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से आप करेंगे पूरे टॉपिक को, है ना, अपन इसी कॉन्सेप्ट के साथ करने वाले हैं, लड्डू बांध के लड्डू बनाने और लड्डू को खाना है, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इन चीजों को, आराम से परफेक्ट तरीके से मैं ये चीज आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।